जिला के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयली बेड़ा तहसील के आदिवासी किसान मन ह धान खरीदी और सहकारी बैंक खोले के मांग ले के रैली निकाल तहसीलदार रा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपिन। 68 गांव के 1000 आदिवासी इलाका मा मूलभूत सुविधा सहित कई मांग ले के पारंपरिक गीत और नाचत हुए रैली निकालिन। क्षेत्र के किसान मन के कहना है कि कोयली बेड़ा ले 40 किलोमीटर दूरिया तय कर अंतरगढ़ सहकारी बैंक धान के पैसा लेहे बर जाए ल पड़थे, जेकर कारण पाछू बछर कई किसान मन ह अपन धान बेचे ले वंचित हो गई। किसान मन कहिन के ऐसन वंचित किसान मन के कर्जा ल घलो माफ करे जाए। आज एक रैली के रूप में हजारों संख्या में यहाँ किसान जुटे हैं और किसान की समस्या सबसे बड़ी हमर सहकारी बैंक नहीं होने के कारण और समय से धन नहीं होने के कारण यहाँ सब समस्या हुई से ओकरे वही धरना आज रैली 18 पंचायत के होते हैं। और मैं वही चाहता हूँ कि किसान मन के बर सुविधा बोरा की उपलब्ध करवाएं और धान खरीदी 1 दिसंबर से जो सरकार कही से 1 दिसंबर कराए ताकि किसान मन के धान खरीदी हो और अगले वाला वर्ष के 350 किसान धान खरीदी हो। भाई जो टोकन कटते हुए भी ये शासन के या यहाँ कर्मचारी के लापरवाह है। आज का मांग जो है हमारी जनता की जायज मांग है। हम भीख नहीं मांगते, हम लोगों का अधिकार है इन मांगों पर। हम लोगों को कोयली बेड़ा क्षेत्र के लिए जिला सहकारी बैंक की आवश्यकता है और साथ ही साथ 1 महीना लेट हो गया, धान की खरीदी नहीं हो पा रहा है। पिछले बार भी वैसी कई किसान छूट गए। किसान यूनियन संघ कोयली बेड़ा एवं समस्त 18 पंचायत के किसान एवं ग्रामीणों द्वारा रैली निकाल कर जिलाधीश महोदय जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से यहां तहसील कार्यालय कोयली बेड़ा में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में क्षेत्र की समस्याओं एवं धान खरीदी समर्थन मूल्य एवं नवीन पंजीयन के संबंध में विभिन्न समस्याओं के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को उचित माध्यम से हम जिलाधीश महोदय के पास प्रेषित कर देंगे।